मॉनसून खत्म होने के साथ ही स्टार्ट होने जा रहे हैं मच अवेटेड जंगल सफारी ट्रिप्स। जून से सितंबर तक बंद रहने वाले नेशनल पार्क्स में अक्टूबर से वापस जंगल सफारी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप गिर नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ जंगल सफारी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपकी इस जर्नी को इजी बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे गिर नेशनल पार्क की डिटेल्स, की अट्रैक्शंस, स्टे एंड ट्रैवल ऑप्शंस एंड ऑनलाइन सफारी बुकिंग का प्रोसेस। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ जर्नी वीडियो में आपका स्वागत है। एशियाटिक लायन की जब हम बात करते हैं तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही याद आता है। इंडिया में गिर नेशनल पार्क ही एक ऐसी जगह है जहां पे एशियाटिक लायन को हम वाइल्ड में देख सकते हैं। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां पूरे देश से लोग एशियाटिक लायन को देखने के लिए आते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। गिर और उसके आसपास के फॉरेस्ट में शेरों की पॉपुलेशन 674 की है। गिर नेशनल पार्क की जिप्सी सफारी की बुकिंग आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप डायरेक्ट सासन गिर के एंट्री गेट पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए आपसे शेयर करते हैं कि आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन सफारी बुकिंग के लिए आप गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके girlion.gujarat.gov.in टाइप करें। ये आपको गिर नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। वेबसाइट के होम पेज पे आपको अलग अलग सफारी ऑप्शंस मिलेंगे। होम पेज में हम गिर जंगल सफारी की बुकिंग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें इस वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट को तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन के बाद आपको डेट ऑफ विजिट, टाइमिंग ऑफ सफारी और नंबर ऑफ विजिटर सिलेक्ट करना है। सफारी टाइमिंग और डेट सिलेक्ट करते ही आपको अवेलेबल परमिट्स देखने को मिल जाएंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है। अब हम बुकिंग पेज पे आ गए हैं। यहाँ हमें ट्रैवलर के डिटेल्स, आईडी नंबर और किसी भी एक ट्रैवलर का आईडी प्रूफ देना होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो हम रिव्यू पेज में आ जाते हैं जहां हमें ट्रैवल डिटेल्स और पेमेंट चार्जेस दिखाई देते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने पर पेमेंट पेज हमें देखने को मिलेगा। यहां पे आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI। पेमेंट कंफर्म होते ही आपकी परमिट बुकिंग हो जाएगी। परमिट की डिटेल्स आप अपने प्रोफाइल में भी देख सकते हैं। परमिट चार्जेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देवलिया और अंबाडी सफारी पार्क की जंगल सफारी एक छोटे से प्रोटेक्टेड एरिया में होती है। टूरिस्ट इसे भी विजिट कर सकते हैं। ग
गिर नेशनल पार्क बहुत ही वेल कनेक्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको ट्रेन, रोड और फ्लाइट सभी के ऑप्शंस बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। गिर से नियरेस्ट एयरपोर्ट जूनागढ़, दीव, राजकोट और अहमदाबाद है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल और जूनागढ़। गिर के लिए रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और आपको हर मेजर सिटी से प्राइवेट टैक्सीज एंड बस सर्विस भी मिल जाएगी गिर पहुंचने के लिए। गिर नेशनल पार्क में स्टे के लिए बहुत अच्छे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, जैसे द फन गिर फॉरेस्ट, अरण्या विला, सरोवर पोर्टिको एक्सेट्रा। इनकी बुकिंग आप किसी भी ट्रैवल पोर्टल या होटल बुकिंग वेबसाइट जैसे अगोडा, मेक माई ट्रिप में जाके कर सकते हैं। गिर नेशनल पार्क की विजिट हमेशा ही एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। शेर को उसके घर में देखने का अनुभव बहुत ही शानदार होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अपना विजिट इजीली प्लान कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।